नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज देश के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान है, वहीं गोवा की 40 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। उत्तराखंड का हम रुख करेंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें जिस पर आज मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, तो ऐसे में किस तरह का माहौल बना हुआ है, मतदाता कितने उत्साहित है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि 70 विधानसभा सीटों पर करीब 632 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। यानी कि आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 632 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। दुर्गम जो इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है। तमाम जिलों से जो रिपोर्टर्स हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये चुनाव बेहद ही अहम होने जा रहा है। बीजेपी ने इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले। 2017 में सत्ता में आई, लेकिन 2022 में सत्ता का स्वाद कौन चखने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज ये तय हो जाएगा, नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन आज स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। तमाम जिलों से कुछ रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ेंगे, वो सूरत हाल बताएंगे कि वहां का माहौल कैसा है, कैसी तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से। हरिद्वार से अजीम मेरे साथ जुड़ेंगे, सितारगंज से दीपक भारद्वाज मेरे साथ जुड़ेंगे, वहीं देहरादून से मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि ब्यूरो चीफ भी हैं। वो बताएंगे कि देहरादून में किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो एक ही चरण में उत्तराखंड में मतदान आज हो रहा है, 70 विधानसभा सीटें, जिसको लेकर उठापटी का दौर जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। तमाम पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से उत्तराखंड पर सियासत जमाई है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के तौर पर मैदान में बनी हुई है। आम आदमी पार्टी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्या बीजेपी पर एक बार फिर से दांव खेलने की तैयारी आम जनता ने कर ली है, या कांग्रेस पर विश्वास जताने की कोशिश की है, ये भी हम जानेंगे। आपको बता दूं कि उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि वो सत्ता को जो जनता है रिपीट नहीं करती है एक ही पार्टी को, लेकिन इस बार क्या बदलाव होंगे 2022 में, ये हम देखेंगे। आज कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह का माहौल है। तो आपको बता दूं कि 2017 में जिले की 3 में से 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। पुरौला सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। वहीं अगर चमोली जिले की मैं बात करूं तो 3 सीटों पर 2017 में भाजपा को जीत मिली थी। इसके अलावा अगर मैं 2017 में केदारनाथ में कांग्रेस और रुद्रप्रयाग में भाजपा को जीत मिली थी। ये 2017 के कुछ चुटपुट आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। 2017 में टिहरी गढ़वाल जिले की 6 में से 5 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। धनौल्टी में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। वहीं 2017 में देहरादून जिले की 10 में से 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। यानी कि कहा जा सकता है कि एक पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई थी। देहरादून में 10 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 9 पर भाजपा का कब्जा हुआ था। सिर्फ चक्राता सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं 2017 में हरिद्वार जिले की 11 में से 8 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी। 2017 में पौड़ी गढ़वाल की अगर मैं बात करूं तो यहां सभी 6 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 2017 में पिथौरागढ़ जिले की अगर मैं रुक करूं तो 4 में से 3 सीटों पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो ये आंकड़े मैं आपको बता रही हूं। और 2017 में अगर भाजपा को इतना बहुमत मिला था तो 2022 में कैसी तस्वीर होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको मैं दिखा रही हूं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब जनसंपर्क प्रचार प्रसार हो रहा था और दमखम के साथ पुष्कर सिंह धामी मैदान में उतरे हुए थे। इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के हरीश रावत, वो भी मैदान में उतरे थे। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन अभी हम सीधे पोलिंग बूथ से आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। किस तरह का वहां पर माहौल है, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, क्या जो वो हर्षोल्लास है मतदान करने का वो नजर आ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व इसे कहा जाता है। अगर नैनीताल जिले की मैं बात करूं 2017 की, तो यहां पर 6 में से 4 सीटों पर भाजपा और 1-1 सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं खटीमा विधानसभा सीट की, बेहद ही अहम है, हॉट सीटों में से एक है।
ऊधम सिंह नगर जनपद की खटीमा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। इस विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से भुवन कापड़ी यहां चुनावी मैदान में है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने भुवन कापड़ी को 2000 से ज्यादा वोटों से हराया था। पुष्कर धामी को करीब 29,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि भुवन कापड़ी को 26,000 ही वोट मिल पाए थे। ये हॉट सीटें हैं जिनका जिक्र मैं कर रही हूं। लालकुआं विधानसभा सीट ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से भी एक बड़ा चेहरा मैदान में है। नैनीताल जनपद की लालकुआ सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत के आने से मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो गया है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं भाजपा से डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट इस सीट पर मैदान में है। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के नवीन दुमका विजयी रहे थे। तो चलिए आप सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी का, रिपोर्टर्स लगातार अलग अलग जगह से मेरे साथ जुड़ेंगे। अजीम हरिद्वार से बने हुए हैं, वहीं देहरादून से जो ब्यूरो चीफ है सुभाष कौर वो मेरे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले देहरादून का मैं रुक करूंगी। सुभाष, देहरादून में किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक होगी। सबसे पहले बिल्कुल कहा जा सकता है राजधानी देहरादून में भी उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा दिख रहा है, और ये कहा जा सकता है कि इस ठंड में भी सुबह 8 बजे से पहले ही लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं और मतदान करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार की उम्मीद की जा रही थी कि शायद लोग 9 बजे के बाद पोलिंग करने पहुंचेंगे और 9 बजे के बाद पोलिंग बूथों पर भीड़ लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर भीड़ नजर आ रही है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजधानी देहरादून का रायपुर विधानसभा का पोलिंग बूथ है, और इस पोलिंग बूथ में सुबह से ही जो भीड़ है वो आपको नजर आने लगेगी, यानी कि जो लोग हैं वो मतदान करते हुए आपको अब नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही कहा जा सकता है ये केवल इसी बूथ का नहीं है, बल्कि हम सुबह से लगभग 3 से 4 बूथों पर होकर आ गए हैं, और सभी बूथों की यही स्थिति है। लोग कहीं ना कहीं अब सोशल डिस्टेंस को भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो मुस्तैद नजर आ रही है, और मुस्तैदी से सभी लोग काम करते हुए भी राजधानी देहरादून में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, देखा जाए तो ठंड क्योंकि काफी है उत्तराखंड में तो और ज्यादा पड़ रही है, उसका असर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आप पीछे दिखा रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद नजर आ रही है। क्या लगता है किन किन मुद्दों पर जो आम जनता है मतदान करने जा रही है, क्योंकि आप सुबह से निकले हुए हैं, आपने अभी कहा कि आप अलग अलग पोलिंग बूथों पर गए हैं, तो आपने बातचीत भी करी होगी लोगों से। बिल्कुल, जब लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं तो उनके अंदर अलग अलग ऊर्जा नजर आ रही है। कुछ लोग बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी में केवल क्षेत्रीय जो कैंडिडेट है उसको देखकर नहीं, बल्कि केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी को देखकर लोग यहां मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के जो लोग कांग्रेस को मतदान करने पहुंच रहे हैं, वो 5 साल भाजपा सरकार ने जो विकास कार्य किए और उन विकास कार्यों का फायदा उन लोगों को नहीं मिला, उसको लेकर जरूर वो गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं मिल पाया, और तमाम ऐसी समस्याएं जो जनहित से जुड़ी हैं, उन समस्याओं को लेकर वो मतदान करने पहुंचे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले जो दोनों ही पार्टियों से उगते हुए नजर आए, जिन्होंने कहा भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, इस बार किसी और पर भरोसा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है तमाम सभी राजनीतिक दलों से को दलों को वोट देने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इस बार जनता का जो मूड है वो अभी समझना बेहद मुश्किल होगा कि आखिरकार जनता चाहती क्या है और किस तरीके से जनता इस बार वोट करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जनता ने इन 5 सालों में बहुत कुछ देखा है। देखिए अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो मनमुटाव लगातार 5 सालों तक बना रहा। इसके अलावा अगर मैं भाजपा की बात करूं तो 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे दे दिए, तो ऐसे में जनता के सामने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज है कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना विश्वास करें। देखिए आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में इस बार दिखाई दे रही है, क्या मैदानी इलाकों में आम आदमी पार्टी का उतना असर दिखाई देता है सुभाष? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं राजधानी देहरादून की बात की जाए तो उस किसी भी विधानसभा में अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा रुझान देखने को नहीं मिला, लेकिन ये जरूर है कि कुछ वोट जरूर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काटेंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमें फ्री की बिजली चाहिए, हमें फ्री का पानी चाहिए, फ्री का राशन चाहिए, यानी कि
फ्री की जो सियासत है उसको उत्तराखंड की जनता ने पसंद नहीं किया और वो खास तौर से नजर भी आ रहा। और उम्मीद ये की जा रही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वादे कर रही थी कि चाहे वो मैदानी क्षेत्र का राजधानी देहरादून हो या देहरादून की तमाम जो विधानसभाएं हो वहां वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सुबह से अभी तक जो लोग आ रहे हैं मतदान करने, स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का क्रेज नजर आया नहीं आया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का क्रेज अभी भी बहुत तेजी से लोगों में नजर आ रहा है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही जो लोग हैं जमकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। बिल्कुल, देहरादून की अगर हम बात करें सुभाष, तो 2017 थोड़ा हम पीछे जाएंगे क्योंकि 5 साल अब सरकार के हो चुके हैं, तो हम 2017 के थोड़े से नतीजे जो हैं, कितनी सीटें जीती थी वो भी बताना चाहेंगे। देखिए, अगर सुभाष देहरादून के 10 विधानसभाओं की मैं बात करूं तो 2017 में 10 में से 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ था, 1 सीट पर सिर्फ कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है 2017 में राजधानी देहरादून की स्थिति नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी थी, तमाम जिलों में ऐसी स्थिति बनी थी। लेकिन ये कहा जा सकता है जो विपक्षी दल है कांग्रेस वो केवल 11 विधायकों के साथ ही विधानसभा में पहुंचा था, लेकिन इस बार की स्थिति कहीं ना कहीं विपरीत लग रही है। हालांकि जैसे कि आपका सवाल है कि देहरादून की 10 विधानसभा सीटों में से केवल 1 विधानसभा में प्रत्याशी कांग्रेस का पहुंचा था, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह वो चकराता से जीत कर मोदी लहर में विधानसभा पहुंचे थे। उसके अलावा अगर बात की जाए धर्मपुर से विनोद चमोली जीत कर विधानसभा पहुंचे थे जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके साथ कैंट से हरबंस कपूर जी पहुंचे थे, इसके साथ ही डोईवाला से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंचे थे, जो उमेश शर्मा काव है वो रायपुर से जीत कर पहुंचे थे, ऋषिकेश से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे थे। तो तमाम जो चेहरे थे वो केवल बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो जनता है वो कुछ बदलाव भी चाहती है और ये कहा जा सकता है बदलाव ही नहीं बल्कि जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी को जो मत देने आए उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि एक बार फिर से भाजपा पर भरोसा किया जा सकता है। यानी कि ये जरूर है कि इस बार कांटे की टक्कर जरूर नजर आ रही है और जिस तरीके से 2017 में एक तरफा मतदान उत्तराखंड की जनता ने किया था शायद इस बार उस तरीके का मतदान उत्तराखंड की जनता ना करे। जी देखिए सुभाष, हमने इस बार जब देखा था, जब रैलियां निकल रही थी, जनसभाएं हो रही थी, जनसंपर्क अभियान तमाम पार्टियां चला रही थी, तो हम भी लगातार फील्ड पर बने हुए थे और आप भी लगातार फील्ड पर बने हुए हैं और तमाम तस्वीरें हमने देखी थी। देखिए, अगर आम जनता की मैं बात करूं तो आम जनता का रुख साफ था कि जो हमारा विकास करता है, जो उत्तराखंड की धरती का विकास करता है, उसके साथ हैं। तो ऐसे में कुछ जनता का रुझान ये भी था कि हमें 5 सालों में कोई विकास दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे और उन्होंने जनसभाएं की तो एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। तो इससे हम क्या समझे कि भले ही पुष्कर सिंह धामे को लोग पसंद करें या ना करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं तो उन्हीं के चेहरे पर कमल का बटन दब जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि जनता से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को मौका देना है, योगी आदित्यनाथ को मौका देना है और यही वजह है कि योगी और मोदी के नाम पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में फिर से वोट जनता भाजपा को देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि 5 साल के कार्यकाल को गिनकर हम वोट देंगे, यानी कि 5 साल में जो भाजपा ने जो काम किए हैं उनके कामों को लेकर, उनके कामों की समीक्षा करके हम इस बार मतदान करेंगे। यानी कि यह साफ था कि उन लोगों का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ या किसी अन्य दल की तरफ जाएगा। लेकिन जिन लोगों का साफ तौर से कहना था कि मोदी को एक बार जिताना है तो साफ बात है कि वो राज्य सरकार के कामों को नहीं देख रही है, वो 3 मुख्यमंत्रियों को नहीं देख रही है, वो किसी ऐसे कामों को नहीं देख रही है जिससे कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हुआ, वो केवल योगी और मोदी को देखकर इस बार मतदान करने मतदान केंद्रों में पहुंची है। जी बिल्कुल सुभाष, 117 प्रत्याशी देहरादून में मैदान में है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 632 है, लेकिन अगर अकेले देहरादून की मैं बात करूं तो 117 प्रत्याशी हैं। खूब दमखम यहां पर दिखाया गया, खूब उठा पटक सियासी, कुछ ऑडियो वायरल, कभी वीडियो वायरल तो कभी अश्लील बातें, ये तमाम चीजें हमें इस चुनाव में देखने के लिए मिली है। जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जनता को इन सब से मतलब नहीं है किसको ऑडियो वायरल हो रहा है, किसका वीडियो वायरल हो रहा है। जनता को मतलब है कि उनका विकास कौन कर रहा है, कोरोना काल में कौन उनके पास पहुंचा, कोरोना काल में वैक्सीनेशन उनके पास पहुंची या नहीं पहुंची, ऑक्सीजन पहुंची या नहीं पहुंची, और वहां पर राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि दुर्गम इलाकों में तो बहुत तस्वीरें ऐसी थी कि वहां पर कनेक्टिविटी का इश्यू था, पढ़ाई में बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, ये मुद्दे थे।
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कोरोना काल में जनता का मूड जो था वो बहुत बदला हुआ सा नजर आ रहा था और राज्य सरकार से काफी खफा थी क्योंकि दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहाँ राशन की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी, उनके जो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए नेटवर्क की व्यवस्था नहीं थी, फोन की व्यवस्था नहीं थी, लोग और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस चीज की जरूरत है स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब चुनाव आते आते सभी चीजों को भूलने की कोशिश जनता को कराई जाती है सभी राजनीतिक दलों द्वारा, बीजेपी कोशिश करेगी कि जनता इन सब चीजों को भूल जाए जिससे नकारात्मक सोच उनके अंदर पैदा, और कांग्रेस कोशिश करेगी कि उन सभी चीजों को याद दिलाया जाए जिससे आम जनमानस को नुकसान हुआ। यानी कि ये साफ है कि दोनों ही राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए जनता के सामने मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं जैसे कि आपने बताया राजधानी देहरादून में जो प्रत्याशियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा, और ये वजह ये इसलिए भी है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत अधिक संख्या में इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। खुद भाजपा के बागी चुनावी मैदान में उतरे हैं, यानी कि भाजपा में पहले वो भाजपा का झंडा उठाते हुए नजर आते थे लेकिन क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान पे उतरे हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रत्याशी बहुत ज्यादा हैं लेकिन जो लड़ाई है वो केवल बीजेपी और कांग्रेस के में नजर आएगी में भी, क्योंकि उनके अलावा कोई बड़ा चेहरा ऐसा अभी चुनाव मैदान में नहीं उतरा है जिस पर ये कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून में वो भी जीत सकते हैं, लेकिन अभी उम्मीद केवल बीजेपी और कांग्रेस पे ही नजर आती है। जी सुभाष, जैसा कि लगातार मैं कह रही हूँ कि देहरादून की जो 10 विधानसभा सीटें थी 2017 में उनमें से 9 पर भाजपा काबिज हुई थी, 1 पर कांग्रेस थी। ये चक्राता विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इस बार और भाजपा ने रामशरण नोटियाल को प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसे में रामशरण नोटियाल पर जनता कितना दाव खेल सकती है या प्रीतम सिंह ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आते हैं? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है चक्राता सीट प्रीतम सिंह की पैतृक सीट है और जब से प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का वो तब से उस विधानसभा सीट से जीत कर आ रहा, और ये कहा जा सकता है कि 7 बार से वो वहां से विधायक बनकर पहुंचे हैं और 8वीं बार उन्होंने अपना नामांकन इस बार किया, यानी कि चुनाव के मैदान में वो है। इससे पहले उनके पिताजी इस सीट से जीत कर पहुंचते थे यूपी के समय में, तो वो उनकी पैतृक सीट है, उस पर कहीं ना कहीं शनसैन बनाने की स्थिति नहीं बनती है क्योंकि रामशरण नोटियाल पर इस वजह से भी दाव खेला है कि जुबिन नोटियाल के पिताजी हैं, जुबिन नोटियाल एक बॉलीवुड के बड़े सिंगर है और बॉलीवुड के सिंगर के साथ साथ उन्होंने अपने पिताजी के प्रचार प्रसार और जो चुनावी कार्यकाल है उसमें खूब उनका साथ दिया है, इस वजह से शायद कहा जा सकता है कि वो जनता के बीच पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में जनता किसको जिताकर विधानसभा पहुंचा दे ये किसी को पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में 57 विधायकों के साथ बीजेपी विधानसभा पहुंची थी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरीके से मार्जिन भाजपा को मिलेगा लेकिन मिला। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जनता का जो मूड है उसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, वो तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा कि आखिरकार उस सीट पर प्रीतम सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे या फिर एक बार उस सीट पर बदलाव होगा। जी बिल्कुल सुभाष, इसके अलावा ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि अब आधा घंटा कम से कम होने वाला है, कितने प्रतिशत मतदान हो पाया, कुछ भीड़ नजर आई है या अभी भी लोग आराम से आएंगे कि पूरा दिन है आराम से जाएंगे वोट करेंगे? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 1 घंटे के बाद मिलता है और हर 1 घंटे के बाद ये निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी दी जाती है कि आखिरकार उत्तराखंड या राजधानी देहरादून या अन्य क्षेत्रों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। लेकिन से कितना जिस तरीके से सुबह से ही भीड़ नजर आ रही है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि जो इस बार मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले ही लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं, काफी जोश उनमें नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो मतदान प्रतिशत है शायद वो 2017 के मुताबिक इस बार बढ़ता हुआ नजर आए। जी सुभाष, भीड़ से क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा खासा प्रतिशत हमें देखने के लिए मिलेगा? जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है क्योंकि लगातार इस तरीके की भीड़ रही तो ये 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार कितने प्रतिशत वोट इस बार बढ़ेगा, यानी कि कितना प्रतिशत वोट इस बार ज्यादा हुआ है 2017 के मुताबिक। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके से भीड़ आ रही है केवल इसी पोलिंग बूथ पर नहीं बल्कि राजधानी के तमाम पोलिंग बूथों पर जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है उससे उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार जो पोलिंग का जो परसेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा उत्तराखंड में। जी चलिए ठीक है सुभाष, आप मेरे साथ बने रहिए, हरिद्वार से अजीम भी मेरे साथ बने हुए हैं। अजीम, हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है सुबह से? ये मैं आपको बता दूं कि सुबह 7:45 बजे ही लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। आज लोकतंत्र का महापर्व है जिसको देखते हुए लोगों में उत्साह है। आज उत्तराखंड की जनता जो है
उत्तराखंड का आने वाले 5 साल का भविष्य तय करने जा रही है। जनता बहुत खुश है, इस तरह से भीड़ है, सुबह 5 बजे से भीड़ हो गई थी और लोगों में उत्साह है मतदान के प्रति, मतदान करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से भीड़ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आज सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। जी बिल्कुल आजीम, अगर हरिद्वार की हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हॉट सीट में आती है। अगर हरिद्वार सदर की मैं बात करूं तो यहां पर जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक वो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है इस बार, सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है या फिर आम आदमी पार्टी कुछ यहाँ पर उसका असर दिखाई देता है? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि हरिद्वार शहर की सीट की बात करें तो मदन कौशिक जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 4 बार से विधायक हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने उनके प्रति इस बार देखने को मिला है, सपा कर्मचारी जो हैं वो उनको बड़ी टक्कर दे रहे हैं और हरिद्वार में कुछ सीटों पर भाजपा और बसपा देखने को मिल रही है। कहीं कहीं यहाँ पर जो है 11 और की बात करें तो मंगलौर बसपा और कांग्रेस भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस की तरफ दिखाई है। अजीम अगर 2017 की मैं बात करूं तो हरिद्वार में 11 जो विधानसभाएं उनमें से 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ था, 3 सीटें बची थी जिनमें से कांग्रेस ने जीत दर्ज करी थी। क्या लग रहा है इस बार, आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है या यही रहने वाला है या भाजपा को ज्यादा सीटें मिलने वाली है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में परिवर्तन इस बार होगा। पहले 2017 में जो है 8 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। बसपा जो एक बड़ा जगह भाग है, बसपा जो है 2017 में बिल्कुल दाखिल हो गई थी, लेकिन एक दो मिला बसपा का जो ग्राफ जो है बहुत बड़ा है, 4 से 5 सीटें जो है ऐसी हैं जिनमें बसपा से चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो साफ सीधी टक्कर बसपा से देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस बार बसपा का ग्राफ भाजपा हरिद्वार में। अजीम तो बसपा का असर भी दिखाई देता है क्या हरिद्वार में? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि बसपा जो है हरिद्वार जिले में बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस बार 2017 में बसपा में तो खत्म हो गई थी, आप बात करूं 2007 की तो उत्तराखंड में बसपा की 7 सीटें थी, 2012 में वो 3 सीटें रह गई, 2017 में बसपा का यहाँ से खत्म हो गई। लेकिन इस बार बसपा अजीम आपकी आवाज़ मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। मैं सुभाष को रुख करूंगी, सुभाष लगातार देहरादून से मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए सुभाष, जैसा कि अभी हरिद्वार से मेरे सहयोगी अजीम लगातार मेरे साथ बने हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि हरिद्वार में इस बार कहीं ना कहीं बसपा का असर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं देहरादून की बात करूं तो वहां पर 2017 में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार क्या बसपा का असर कुछ दिखाई देता है? जी बिल्कुल, राजधानी देहरादून में बसपा के प्रत्याशी ज्यादातर चुनाव मैदान में उतरते तो हैं कुछ कुछ सीटों पर, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जमानत भी उनकी जब्त होती है क्योंकि बसपा का कोई जनाधार राजधानी देहरादून की किसी भी सीट पर नहीं है, क्योंकि राजधानी देहरादून में केवल बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर रहती है, चाहे वो ऋषिकेश की बात कर ली जाए, डोईवाला की बात कर ली जाए, रायपुर की बात कर ली जाए, धर्मपुर, राजपुर, इसके साथ ही सहसपुर, कैंट और विकास नगर चक्राता, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही यहाँ चुनावी मैदान में टक्कर होती है। और इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जरूर चुनाव मैदान में उतरते हैं लेकिन उनका भी कोई बड़ा जनाधार नजर नहीं आता है, और यही वजह है कि बसपा आज तक राजधानी देहरादून की किसी भी सीट पर काबिज नहीं हो पाई। बस यहाँ केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर रहती है, हालांकि अभी तक कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी ऐसा है नहीं आया कि जो चुनाव मैदान में इन दोनों ही पार्टियों को चुनौती दे पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में जरूर है लेकिन उनसे भी इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि शायद वो सीट निकाले। हाँ जरूर यह है कि वोट परसेंट जरूर वो खाएगी दोनों ही राजनीतिक दलों का, लेकिन जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आती है राजधानी देहरादून की सीटों पर। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए जब इससे पहले भी मेरी और आपकी बातचीत हुई थी तो हमने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था, आम आदमी पार्टी उभर कर तो आ रही है लेकिन उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, कुछ
जिलों में दिखाई जरूर नजर आता है कि बहुत ज्यादा उसका बोलबाला है, लेकिन और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी हो सकती है, तो इसका असर बीजेपी को पड़ने वाला है या कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर्स है या बीजेपी का जो मूल वोटर है वो केवल बीजेपी को ही वोट देता है, और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं यदि वो वोट काटते हैं तो। लेकिन वोट काटने की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी उधम सिंह नगर की कुछ सीटें जरूर हमें नजर आती हैं। गंगोत्री सीट से इस बार कहीं ना कहीं वोट करते हुए नजर आएंगे, इसके साथ ही केदारनाथ विधानसभा सीट से वोट करते हुए नजर आएंगे जो कि आम आदमी पार्टी के खाते में भी जाएंगे। इसके साथ ही काशीपुर एक ऐसी विधानसभा है जहां ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो काफी मजबूत है, और उम्मीद ये की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि शायद वो सीट निकाल लें। तो वोट की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो यदि बीजेपी का 2 से 3% वोट काटा जाता है तो कांग्रेस का 5 से 6% वोट आम आदमी पार्टी काटेगा, यानी कि वोट जरूर आम आदमी पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों का काटेगा, लेकिन बड़ा खामियाजा इससे कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा सुभाष, देखिए हॉट सीट की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल हॉट सीट मानी जाती है, चाहे वो खटीमा हो, चाहे वो लालकुआं हो, हरिद्वार हो, श्रीनगर हो, चकराता हो, ये हॉट सीट में से एक है। तो ऐसे में उन हॉट सीटों का जरा सा बताइए कि क्या गुणागणित हो सकता है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो विधानसभा सीट है खटीमा, वहाँ एक ये कहा जा सकता है एक बड़ा फैक्टर है थारू वोटर, क्योंकि थारू समुदाय का जो वोट है वो बहुत ज्यादा संख्या में उस खटीमा विधानसभा सीट पर है। हालांकि अभी तक कोई भी ये देखा जाता है कि हर बार चुनाव में एक थारू प्रत्याशी जरूर चुनाव मैदान में होता है, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में थारू प्रत्याशी नहीं है, तो ये कहा जा सकता है ये वोट परसेंट है जो जरूर जो शेयर होगा, कुछ वोट परसेंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में आएगा तो कुछ कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़े के खाते में आएगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि थारू वोटर की वजह से एक बड़ा जो चेंज होता था खटीमा विधानसभा सीट पे वो शायद इस बार नजर नहीं आएगा, लेकिन पहाड़ी वोटर भी बहुत ज्यादा उस सीट पर, और क्योंकि पहाड़ी दोनों ही बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी भी पहाड़ी है और भुवन कापड़े भी पहाड़ी है, तो शायद पहाड़ी वोटर्स भी वहां बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब जो उस सीट की जीत की गणित होगी वो होगी मूल वोटर यानी कि पार्टी वोटर, जो बीजेपी के समर्थक है वो पुष्कर सिंह धामी को अगर जिताकर उस विधानसभा से विधानसभा पहुंचाएंगे तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन कुल मिलाकर उस सीट की गणित बात की जाए तो थारू वोटर वहां एक वोट फैक्टर डालता है। वहीं अगर दूसरी सीट अगर श्रीनगर विधानसभा सीट की बात की जाए जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ जो के मंत्री हैं सरकार में धन सिंह रावत वो भी चुनाव मैदान में है, लेकिन इस सीट पर भी ये गणित इस वजह से अलग मानी जा सकती है क्योंकि मोहन काला जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं और इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वोट खाते हुए नजर आएंगे और बड़ा वोट बैंक उनके खाते में रहता है, तो कहा जा सकता है कि वो किसका ज्यादातर वोट खाते हैं और वो किसको डैमेज करते हैं ये तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि श्रीनगर विधानसभा सीट में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। इसके साथ ही अगर प्रीतम सिंह की विधानसभा चकराता की बात की जाए तो प्रीतम सिंह का ये अपना गढ़ रहा है और वो हमेशा से इस सीट से जीत कर आए, मोदी लहर में भी वो लगभग 5000 वोटों की लीड से उस विधानसभा से जीत कर आए थे, तो कहा जा सकता है कि उस सीट पर ये ज्यादा परेशान होने की जरूरत कांग्रेस को नहीं लगती, और यही वजह है कि प्रीतम सिंह ने जो प्रचार प्रसार है वो भी बड़े स्तर पर नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हमेशा से ही अपनी जनता के बीच में रहे और उनको किसी तरीके की कोई परेशानी विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं आती है। तो ये कहा जा सकता है पूरी गणित इस तरीके से जो हॉट सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं इस बार प्रेशर किया जाएगा बीजेपी और कांग्रेस को कि आखिरकार वो किस तरीके से जीत कर अपने प्रत्याशी को विधानसभा लाते हैं, और वहां के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पास भी बड़े जिम्मेदारी है कि वो अपने नेता को जिताकर विधानसभा तक पहुंचाएं। जी चलिए सुभाष, आप मेरे साथ बने रहिए, ऋषभ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ऋषभ का मैं रुख करूंगी। ऋषभ, हरिद्वार से आप मेरे साथ जुड़े हैं, किस तरह के हालात हरिद्वार में देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अभी 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, भीड़ जुटना भी शुरू हो चुका है। ये शुरू हो चुका है और हमारे बूथ वार्ड नंबर 16 पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ, और यहाँ पे मतदाता अपनी प्रत्याशी के वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं और काफी भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है।
बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या आपकी बातचीत मतदाताओं से हो पाई है, क्या मुद्दे हैं उनके? क्योंकि जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार धरातल पर उतरी हुई थी तो तमाम मुद्दों को हमने उठाया था, उनमें से जनता का यही कहना था कि विकास का मुद्दा अहम है, महंगाई अहम है, इसके अलावा जो उनकी जरूरी चीजें हैं, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अहम है, योजनाओं का लाभ आधे लोगों को नहीं मिल पाता, ये मुद्दे थे। तो क्या चुनाव पर वोट जो है उन्हीं मुद्दों पर डाले जा रहे हैं मतदाताओं द्वारा? जी बिल्कुल, चुनाव में वोट मतदाताओं यार उन्हीं मुद्दों पर डाले जा रहे हैं, विकास को लेकर और ये अपना जितनी महंगाई को लेकर, ये सब सारी चर्चा काफी अहम रही, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार थी उसको उसके बाद जो मतदाताओं का निर्णय है वो आज अब 10 मार्च को पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार से काफी खफा लोग दिखाई दे रहे थे। ऋषभ, क्या बातचीत हो सकती है मतदाताओं से आपके आसपास, अगर कोई मतदाता हो, महिला मतदाता हो तो उनसे खास बात हम करना चाहेंगे? मैं महिला मतदाता नहीं, वैसा एक मतदाता है, मैं उनको बुला लेता हूँ। आज आप एक वोट डालने आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने पहली बार वोट डाली है, मैं 18 साल का हो चुका हूँ और मैंने अपना वोट दे चुका हूँ मैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को देखते हुए मैंने जहाँ भी वोट दिया, मैं अपना वोट बताऊंगा तो नहीं मैंने किसको दिया है, हालांकि मैंने अपना वोट दे चुका हूँ। तो क्या परेशानी से आपको जूझना पड़ा है जिसको आपने वोट अपना प्रत्याशी चुना होगा? देखिए, मैं बात करूँ तो महंगाई की तो सबसे बड़ी बात है कि महंगाई पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और महंगाई को लेकर जो भी लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और रसोई जो है गैस ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, अन्य सामान ना, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई से जूझ रहे लोग ना। तो किसकी तरफ यहाँ पे किसकी तरफ रुझान उत्तराखंड में हम जान सकते हैं आपसे, जनता का जा रहा है रुझान? तो जनता का कांग्रेस की तरफ जा रहा है इधर। ऋषभ, ये एक नौजवान है और नौजवान की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो रोजगार है, तो उनसे क्या आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि रोजगार के सिलसिले में उत्तराखंड से पलायन बहुत ज्यादा हुआ है और पलायन का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्माया था, तो इस बार युवाओं ने क्या मन बनाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि युवाओं का जो मन है, उत्तराखंड के युवाओं का जो मन इस टाइम कहता है, कांग्रेस के राज में सरकार जब थी कांग्रेस की तो उस टाइम युवा इतने कहा नहीं थे, लेकिन बीजेपी के राज में युवा जैसे पलायन कर चुके हैं, इतना बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। अभी भी युवा से हमने जाना, उन्होंने रोजगार का ही नाम लिया कि रोजगार बिल्कुल नहीं है, नौकरियां कुछ नहीं है, सरकारी नौकरियां ये नहीं देते। बिल्कुल ऋषभ, और हरिद्वार की 11 सीटों पर बताइए किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है? 11 सीटों की अगर हम बात करें तो काफी चर्चा में है कि काफी मतदाता वहां पहुंच चुके हैं, तो 11 सीटों की अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ काफी लोग नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा है, और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी ग्रामीण क्षेत्र में है जिनकी तरफ रुझान मतदाताओं का ज्यादा है। चलिए ठीक है, सुभाष भी लगातार मेरे साथ बने हुए, सुभाष का मैं रुख करूंगी। सुभाष, देखिए, अगर हम जानने की कोशिश करें उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड को हम जानेंगे कि अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो समस्याएं हैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ा मुद्दा था पलायन का, क्योंकि वहाँ पर रोजगार नौजवानों को नहीं मिल रहा था, युवाओं को नहीं मिल रहा था, तो बहुत संख्या में पलायन हुआ, कई गाँव ऐसे थे जो खाली हो गए। अब लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई 2017 में, तो लोगों को उम्मीद हुई कि हो सकता है कि अब लोगों के लिए बहुत सारे अवसर होंगे रोजगार के, लेकिन अभी भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो वापस नहीं पहुंचे अपने गांव तक, वो दूर दराज शहरों में हैं। अब क्या उम्मीद लगती है, अब क्या लग रहा है कि इस बार अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डालते हैं तो डबल इंजन की सरकार वाकई उनके लिए रोजगार ला पाएगी? क्योंकि 5 साल का समय था, जैसा कि सरकार कहते हैं कि 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि रोजगार राज्य सरकार नहीं दिला पाई युवाओं को, और यही वजह है कि युवा काफी खफा उनसे चल रहे थे, लेकिन क्योंकि 2017 में डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता ने बनाई और ऐसी सरकार बनाई कि लगभग 57 विधायक उनके जीत कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन आज भी पलायन लगातार जारी है। और हालांकि ये जरूर
राज्य सरकार ने कहा था कि पलायन आयोग के बाद से ही पलायन पर रोक लगेगी, उसकी टीम बनाई जाएगी, ये सोचा जाएगा कि आखिरकार पलायन किस वजह से हो रहा है और उन पलायन को रोकने के लिए स्थानीय पहाड़ों में यानी कि स्थानीय जगहों के स्थानीय लोगों को वहीं रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन 5 सालों में ना तो युवाओं को रोजगार मिल पाए, ना पलायन रुक पाए। जो लोग पलायन करके शहरों में गए, जब कोरोना काल में उनको वापस घर बुलाने की नौबत आई तो उन्हें घर भी समय पर नहीं बुलाया गया, तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में जरूर नजर आ रही थी। लेकिन क्योंकि इसके साथ ही आज भी लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, तो कहा जा सकता है कि मोदी के नाम पर फिर शायद एक बार उत्तराखंड में वोट बढ़े और बीजेपी को पड़े। लेकिन क्योंकि उनके कार्यकाल की बात की जाए, 5 साल के किए गए कामों की बात की जाए, तो उस आधार पर कहीं ना कहीं वोट देती हुई जनता नजर नहीं आएगी भाजपा को। लेकिन क्योंकि मोदी और योगी को जिताना है तो इस वजह से बीजेपी को वोट दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जिस मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी, उन्होंने कहा 4 धाम 4 काम गिनाने की कोशिश करे राज्य सरकार की, आखिरकार 4 महत्वपूर्ण काम उन्होंने क्या किए जो राज्य के स्तर पर किए गए हों, तो उनको गिनाने में नाकाम भाजपा सरकार रही है। और जनता भी अब इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस को वोट करती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये जरूर है कि बीजेपी को जो वोट कर रहे हैं वो मोदी योगी के नाम पर कर रहे हैं, और कांग्रेस को जो वोट कर रहे हैं वो राज्य सरकार के 4 काम ना गिनाने को लेकर कांग्रेस को वोट करते हुए नजर आएंगे। जी सुभाष, देखिए भू कानून की अगर मैं बात करूं और देवस्थानम की मैं बात करूं, देवस्थानम बोर्ड और भू कानून, ये दो मुद्दे बहुत अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले बहुत ज्यादा अहम हो गए थे। इन्हें सरकार ने सुलझाने की बहुत कोशिश की है, क्या इसका कोई एक अगर हम कहें तो असर दिखाई दे सकता है? बिल्कुल, इसका बड़ा असर दिखाई देता है यदि देवस्थानम बोर्ड को भंग राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि जो तीर्थ पुरोहित थे वो काफी खफा राज्य सरकार से नजर आ रहे थे। और ये खुद देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी केदारनाथ धाम में दर्शन तीर्थ पुरोहितों द्वारा नहीं करने दिया गया, यानी कि इतनी ज्यादा खफा तीर्थ पुरोहित राज्य सरकार से थे कि इसका बड़ा खामियाजा इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ता। लेकिन उससे पहले ही राज्य सरकार ने इस बोर्ड को भंग कर दिया, और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि जो हक हकूक थे तीर्थ पुरोहितों के उनको पहले की तरह हक हकूक दे दिए गए, और उनकी जो ये कहा जा सकता है चारों धाम की जो समिति थी वो पहले से ही उसी प्रकार से चलनी शुरू हो गई जैसे पहले चलती थी। और यही वजह है कि शायद इस बार जो वोट परसेंट है तीर्थ पुरोहितों का वो कुछ परसेंट कांग्रेस को भी जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ वो तीर्थ पुरोहित ऐसे भी हैं जो आज भी भाजपा को समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो ये जरूर है कि इसका खामियाजा भाजपा को जरूर भुगतना पड़ेगा। हालांकि भू कानून का जो मुद्दा है वो पिछले 1 साल से गरमाया था और लगभग कुछ समय के लिए बहुत तेजी से उठा था, लेकिन अभी तक भू कानून को लेकर एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया विपक्ष के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। इसलिए कहा जाता है भू कानून को लेकर तो वोट परसेंट में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि पलायन जैसे मुद्दों को लेकर जरूर इस बार जो जनता है वो वोट करती हुई नजर आएगी। जी सुभाष, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, ये 3 चेहरे, 2 ऐसे सीएम रहे जिनके विवादित बयान रहे, जिन्होंने खूब सोशल मीडिया को भरा, उसके बाद तीसरा चेहरा आया पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि एक युवा चेहरा, उसके बाद लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस का सीधे तौर पर यह आरोप था कि वो तो सिर्फ घोषणावीर है, वो जहां भी जाते हैं घोषणा करके आ जाते हैं, घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम होना चाहिए। इसका कितना असर आम जनता के बीच पहुंचता है? सिर्फ आम जनता की मैं बात करूंगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया पूर्व मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से उनके विवादित बयानों को लेकर उनको हटाकर फिर पुष्कर सिंह धामी को जगह दी गई, लेकिन ये कहा जा सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि विवादित बयान वो देते हुए नजर आते थे, बल्कि वो एक कड़क सीएम के तौर पर देखे जाते थे। यानी कि जो फैसला उन्होंने ले लिया तो ले लिया, उसको उन्होंने पत्थर की लकीर के तौर पर यूज किया, और यही वजह है कि जो उनकी पार्टी के जो नेता थे, उनके पार्टी के जो विधायक थे, वो उनसे खफा हो गए और उनकी शिकायत करने हाईकमान पहुंचे। लेकिन जनता को इससे मतलब नहीं है कि उनके पार्टी के लोग, उनके घर के लोग उनसे खफा है। जनता को इस मुद्दे से नाराजगी है कि आखिरकार जो विकास कार्य होने चाहिए थे, जिन विकास कार्यों के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो विकास कार्य जनता को नहीं मिले, वो विकास कार्य जनता को नहीं दिखे, और इसी वजह से आज भी जनता काफी खफा भाजपा से नजर आई। लेकिन जैसे ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो डैमेज जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया, और क्योंकि
पुष्कर सिंह धामी के पास बेहद कम समय था चुनाव से पहले और उनके पास डबल चुनौती थी, उन्हें खुद भी जीतना था, पार्टी को भी मजबूत करना था, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए वो नजर आए। हालांकि उसका कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ ये तो जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि डैमेज कंट्रोल जरूर पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद रुका है। जी सुभाष, अगर मैं बात करूं टीढ़ी गढ़वाल की, तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ था 2017 में, लेकिन धनौल्टी एक ऐसी सीट रही थी जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। देखिए ये कहीं ना कहीं समझ ना जरूरी होगा कि 6 में से 5 सीटों पर जब भाजपा जीत रही है तो आखिर धनौल्टी में ऐसा क्यों है कि वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता, धनौल्टी की जनता क्या नाखुश थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं धनौल्टी विधानसभा से जो प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे वो पूर्व की सरकार में मंत्री थे, प्रीतम सिंह पवार जो कि पीडीएफ से मंत्री बने थे पूर्व सरकार में, क्योंकि वो निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतकर आए थे यमुनोत्री विधानसभा सीट से, यानी कि 2012 के विधानसभा सीट में वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े लेकिन यमुनोत्री विधानसभा सीट से और वो जीते और उसके बाद उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया। और 2017 में क्योंकि उनका पैतृक गांव धनौल्टी है, धनौल्टी विधानसभा के वो रहने वाले हैं, तो उन्होंने उस सीट को चुना और वहां से भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे और जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस बार फिर धनौल्टी सीट हॉट हो जाएगी क्योंकि जो प्रीतम सिंह पवार है वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के टिकट से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से ज्योत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि भाजपा ने उनके पूर्व विधायक को रांगड़ जी को टिकट में चुनाव नहीं में नहीं उतारा, उनको टिकट नहीं दिया, तो उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ हो चले और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए, यानी कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना होगा और शायद धनौल्टी विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। जी और जैसे कि आपने टिहरी विधानसभा के और सीटों की बात की जाए, चाहे उसमें प्रताप नगर हो, टिहरी हो, नरेंद्र नगर हो या फिर घनसाली सीट की बात कर ली जाए, तो ये वो सीटें हैं दूर दराज के सीटें हैं, पर्वतीय क्षेत्र की सीटें हैं जिन सीटों पर जो लोग हैं वो अपने क्षेत्रीय चेहरे पर नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2017 पे वोट करते हुए नजर आए थे, लेकिन शायद इस बार जो उनका वोट होगा वो उनके क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि के तौर पर होगा, जो विधायक है उनके कार्यकाल पर होगा कि आखिरकार 5 सालों में उनके विधायकों ने उनके क्षेत्र में क्या काम किया और पूर्व के जो विधायक हैं वो बेहतर काम करते थे या जो अभी 2017 में विधायक बने वो बेहतर काम करते थे, यानी कि मोदी तो फैक्टर है लेकिन जो क्षेत्र में काम हुआ, जो रोड कनेक्टिविटी बनी लोगों के गांव तक, जो सड़कें बनी, लोगों को पानी की जो व्यवस्था मिली, लोगों को रहने के लिए जो व्यवस्था मिली, उनको लेकर भी इस बार वोट वो देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुभाष, इसके अलावा अगर केदारनाथ और रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं तो केदारनाथ में 2017 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, वहीं रुद्रप्रयाग में भाजपा को जीत हासिल हुई थी। 2013 में प्राकृतिक आपदा की वजह से केदारनाथ में जो कुछ भी हुआ, जो तबाही हुई, जो त्रासदी हुई, वो किसी से छिपी नहीं है, हर कोई जानता है, लेकिन 2017 में फिर भी कांग्रेस को वोट दिया गया और वहां पर कांग्रेस से जीती। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि केदारनाथ का जिस तरह से पुनरुत्थान हुआ है उससे कुछ और ही तस्वीर नजर आती है। जी बिल्कुल, 2017 का जो स्थिति केदारनाथ विधानसभा की थी वो बेहद अलग थी। मनोज रावत जो कि कांग्रेस के विधायक हैं वहां से जीत कर पहुंचे हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं इस बार, वो इस वजह से भी जीते क्योंकि उस सीट पर भाजपा के तौर से, भाजपा की तरफ से जिनको टिकट दिया गया वो उससे पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस की विधायक थी शैला रानी रावत, 2016 में वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और विधानसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन क्योंकि वहां से जो तैयारी कर रही थी पूर्व विधायक आशा नौटियाल वो नाराज हो गए और वो चुनाव मैदान में उतर गए चुनाव निर्दलीय लड़ने के लिए, जिसकी वजह से भाजपा को बड़ा खामियाजा हुआ। इतना ही नहीं, एक निर्दलीय प्रत्याशी उस सीट पर बहुत मजबूत थे कुलदीप रावत, और कुलदीप रावत ने भी बहुत अधिक संख्या में वोट काटे। ये कहा जा सकता है कि यदि निर्दलीय तौर पर कुलदीप रावत विधानसभा पहुंच जाते, अगर आशा नौटियाल चुनाव के मैदान में नहीं होती, और क्योंकि कुलदीप रावत मनोज रावत के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे और इस बार भी वो सीट बहुत हॉट हो सकती है क्योंकि इस बार भी उस सीट से 4 मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत, बीजेपी की तरफ से शैला रानी रावत और आम आदमी पार्टी की तरफ से सुमंत तिवारी जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और फिर एक बार वही चेहरा
जिस चेहरे की वजह से उस सीट की पूरी स्थिति बदल गई थी, कुलदीप रावत निर्दलीय प्रत्याशी, और ये उम्मीद की जा रही कि शायद इस बार उस सीट पर कुछ बदलाव होगा, बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई नया चेहरा उभर कर विधानसभा पहुंचेगा। वहीं अगर रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट होती हुई नजर आ रही है, और शायद इस सीट पर भाजपा को एक बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस से जिनको टिकट दिया गया है प्रदीप थपलियाल, वो एक युवा तौर पर देखा जाता है, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं वो जखोली के, और इस बार क्योंकि उस सीट पर माधवर सिंह कंडवारी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, और बहुत अधिक संख्या में वो वोट काटते हुए नजर आएंगे, तो शायद इसका फायदा कहीं ना कहीं भरत चौधरी को होगा, जो कि भाजपा के प्रत्याशी और विधायक है रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से। जी चलिए ठीक है सुभाष, आप मेरे साथ बने रहिए, ऋषभ भी लगातार मेरे साथ बने। ऋषभ, हरिद्वार में किस तरह का अपडेट है? जी, मैं हरिद्वार के अपडेट की बात बता दूं आपको कि हरिद्वार में इस टाइम मतदाता पूरे जोर शोर से अपने मतदान के लिए प्रत्याशी को वोट देने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं, और सुबह से ही पूरी बात करें सुबह की तो सुबह से ही यहाँ लाइनें लगनी शुरू हो गई थी मतदाताओं की। इस बार टक्कर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस धमाकेदार टक्कर का सामना है। जी बिल्कुल ऋषभ, इसके अलावा हरिद्वार की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर ये पर्यटक स्थल भी है, क्योंकि श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, हल्की पैड़ी पहुंचते हैं लाखों की संख्या में, साधु संत बहुत ज्यादा संख्या में है, क्या लग रहा है इस बार साधु संत किसके साथ है? देखिए, साधु संत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो सतपाल ब्रह्मचारी, कांग्रेस प्रत्याशी जो हरिद्वार विधानसभा सीट से खड़े हुए हैं वो एक संत ही है, तो संतों का। और दूसरी चीज ये भी हम कह सकते हैं कि जो संतों के ऊपर अभी अत्याचार आरोप संतों ने लगाए थे बीजेपी सरकार पर, अभी हाल ही में कुछ गिरफ्तारी हुई थी, कुछ कुंभ को लेकर भी काफी संतों में आक्रोश है, तो समर्थन जो है ज्यादा से ज्यादा संत लोग सतपाल ब्रह्मचारी का कर रहे हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी है। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको एक बार फिर से बता दूं कि 2017 में जिले की 3 में से 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, पुरौला सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। वहीं अगर चमोली जिले की मैं बात करूं तो 3 सीटों पर 2017 में भाजपा को जीत मिली थी। इसके अलावा 2017 में केदारनाथ में कांग्रेस और रुद्रप्रयाग में भाजपा को जीत मिली थी। जैसे कि अभी मेरे सहयोगी लगातार बता भी रहे थे कि इस बार केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देहरादून जिले की 10 में से 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, सिर्फ चकराता सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। हरिद्वार जिले की 11 में से 8 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड में जो लोकतंत्र का पर्व है वो नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर देखने के लिए मिल रही है, मतदाता भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन जैसे जैसे दिन निकले वैसे वैसे मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी बदले गए, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, या फिर अब पुष्कर सिंह धामी हो। तो ऐसे में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को घेरता है, आरोप लगाता है कि जो भाजपा 3 चेहरे मुख्यमंत्रियों की दे रही है, जो अपनों पर विश्वास नहीं जता पा रही है, वो आम जनता का विकास कैसे कर सकती है। घोषणावीर की उपाधि जो है वो पुष्कर सिंह धामी को यहां पर आम जनता ने, विपक्ष ने दी है। इसके अलावा ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो प्रत्याशी लगातार मैदान में बने हुए थे, और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं हॉट विधानसभा सीटें भी लगातार हम टैली के माध्यम से बता रहे हैं। वहीं कौन कौन से प्रत्याशी कहां कहां से, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसके अलावा
किन किन में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है, ये भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। काशीपुर में नरेंद्र चंचल सिंह, त्रिलोक सिंह चीमा और वहीं कीचा से तिलक राज बेहर, राजेश शुक्ला मैदान में है। केदारनाथ में भी कांटे की टक्कर है, मनोज रावत और शैला रानी रावत जो हैं वो मैदान में है। कोटद्वार की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह नेगी और ऋतु भूषण खंडूरी के बीच मुकाबला बना हुआ है। इसके अलावा खटीमा की बात करें, हॉट सीट भुवन चंद्र कपाड़ी और पुष्कर सिंह धामी। खानपुर विधानसभा सीट की बात करें तो सुभाष चौधरी और कुवरानी देवयानी यहां पर मैदान में है। गंगोत्री में विजयपाल सिंह सजवान और सुरेश चौहान यहां पर कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके अलावा हॉट विधानसभा सीटें कौन कौन सी है ये भी हम बता रहे हैं और कहां कहां से कौन मैदान में ये भी बता रहे हैं। भगवानपुर से अगर सुबोध राकेश की हम बात करें तो बसपा से है और मैदान में लगातार बने हुए हैं। चकराता से प्रीतम सिंह बने हुए हैं और यहाँ पर ये इनका गढ़ माना जाता है। इसके अलावा रामशरण नोटियाल चक्राता से हैं जो कि टक्कर यहाँ पर प्रीतम सिंह को दे सकते हैं, हालांकि पिछले चुनावों में वो हारे थे। धनौल्टी की हम बात करें तो प्रीतम सिंह पवार धनौल्टी से उम्मीदवार हैं। ऐसे में दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ज्योत सिंह बिष्ट धनौल्टी से बने हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बीजेपी के बड़े चेहरे जो हैं आप देख सकते हैं सुरेश गरिया कपकोट से चुनावी मैदान में, इसके अलावा सुरेश चौहान गंगोत्री से मैदान में बने हुए हैं। तो ये सीटें हॉट सीटें हैं जिनका जिक्र लगातार मैं कर रही हूं। इसके अलावा लालकुआ हरिद्वार श्रीनगर चकराता खटीमा ये भी हॉट सीटें लगातार बनी हुई हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का जो चुनावी कवरेज है वो लगातार बना रहेगा क्योंकि उत्तराखंड में आज लोकतंत्र का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। 70 विधानसभा सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एक ही चरण में मतदान होगा और अगर हम बात करें तो 391 प्रत्याशी गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के 41 सीटों से, जबकि कुमाऊं मंडल की 29 सीटों पर 241 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आज मतदान हो रहा है और 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, 1 घंटे का समय हो चुका है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अब तक इस 1 घंटे में कितने प्रतिशत मतदान हो पाया है। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माय नेम इज हिमानी पाठक एंड आई क्वालिफाइड पीसीएस यूके पीसीएस 2012 एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर for cane and sugar department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta and I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना आईएएस पीसीएस का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव आईएएस इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट आरआईएमसी मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job.
अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने